ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल। या बैटरी हम बोल सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग इसका देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए, नॉट बैटरी, किसी का भी सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब यही होता है कि उस डिवाइस जो भी आप बात कर रहे हो उस डिवाइस से आपका करंट सेम होना चाहिए, ऐसे मैंने रखा है ना। तीन बैटरी है, EMF E1 E2 E3 ऐसे है, रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है। तो इसके इक्विवेलेंट का क्या मतलब है ना, हाँ, कि अगर हम इस कॉम्बिनेशन से एक रजिस्टर कनेक्ट करें, हाँ, और जितना करंट इससे जाता है, ठीक है, तो बोल ये रहा है कि इक्विवेलेंट का मतलब यही है, फॉर इक्विवेलेंट तो ये आएगा कि आप इन सबको हटा के एक बैटरी जोड़िए, हाँ, और उससे भी आप यही रेजिस्टेंस जोड़े, यस, तो हमारा अगेन करंट जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए। क्या देखिए, अगर मैं इसको इस सर्किट को देखते हैं, प्लस माइनस से आईआर, हाँ, और आप लूप बना लीजिए, तो इन लूप अगर हम लोग लिखेंगे तो वो क्या आएगा यहां पर। चलिए इसको हम लोग L2 लिखते हैं, तो एक तो ऐसे घूम रहे हैं तो यहीं से ड्रॉप चल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आई आर ड्रॉप है माइनस ई, हाँ, ध्यान से अगर आप इसको कर रहे हो तो इसको आगे पीछे अगर आपको टेंशन लगे या गड़बड़ लगे तो ये काम कर लीजिएगा, क्या कि इसके आगे या पीछे कहीं पर भी अगर ऐसा आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को लिख के और प्लस माइनस, हाँ जी, तो वो आई आर, तो इतना ये भी घट रहा है ना। तो बैटरी का एक्चुअली में जो लिखना होता है वो आ जाएगा आपका कितना, माइनस आई आर, सॉरी, हाँ, इक्वल्स टू जीरो। एनीवे देखिए, तो हम लोग इसको आई लिख रहे हैं, आर प्लस आर इक्वल्स टू ई आ गया, ठीक है ना। तो बेसिकली जो ई हम लिख रहे हैं इक्विवेलेंट की जो बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो वो आपका आ जाएगा आई इंटू आर प्लस आर इस फॉर्मेट में, जो इस प्रोडक्ट आ रहा है इन दोनों के अलावा, हाँ, आप इस सभी को इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, ठीक है, यही प्रोडक्ट हमें निकालना होगा ना। अगर मैं बात करता हूं इस लूप वन की, ये लूप हम टू के लिए लिखे हैं, चलिए इन लूप वन, हाँ, क्या क्या है, यहां से ड्रॉप की अगर बात करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा E1 माइनस आई आर वन, माइनस में ड्रॉप, हाँ, दूसरा माइनस में अगेन E2 माइनस आई आर टू इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप और EMF की वजह से राइज, तो इतना राइज और इतना ड्रॉप, हाँ, आएगा ना, प्लस माइनस आई आर वन, हाँ, हर बैटरी का। एनीवे इस तरीके से हमने लिखा E3 माइनस आई आर थ्री, यस, ये ड्रॉप ही आएगा प्लस आई आर इक्वल्स टू जीरो, हाँ, आप कंपेयर कर लीजिए, क्या मैं अगर आई आर प्लस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री
E1 प्लस E2 प्लस E3, देख लीजिए। हाँ जी ना, अगर मैं इसको लिखूंगा R और ये आ गया R इक्विवेलेंट, हाँ तो यहां पर हमारा इक्विवेलेंट ना आ गया क्या, अगर ये वाला पूरे टर्म को हम लोग, हाँ जी R इक्विवेलेंट, तो ये वाला हमारा पूरा ईएमएफ का इक्विवेलेंट, मतलब हाँ जी ये R इक्विवेलेंट बैटरी का R इक्विवेलेंट, तो आप चाहें तो ये R इक्विवेलेंट हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी को R अगर बोल रहे हैं तो ये हमारा जो आ गया यहां से अगर कंपैरिजन कर लें से 1 एंड क्या 2, तो 1 एंड 2 से कंपेयर कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट जो हमारा आ रहा है इक्विवेलेंट तो हमारा आ गया आपका सीरीज का E1 प्लस E2 प्लस E3, यस हाँ, एंड R इक्विवेलेंट भी बिल्कुल सीरीज का ही है और ये R1 प्लस R2 प्लस R3 है, यस yes, है ना। नाउ एक चीज जो ध्यान रखिएगा वो ये कि देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूं कि टर्मिनल का भी ध्यान रखना है, गलती से अगर एक भी टर्मिनल आपका इस तरीके का होता, समझ में आ रहा है, तो वो आपको फिर यहां पर जो लिखेंगे जो भी E3 आता वो प्लस में आता और फिर यहां पर ये क्या आता माइनस, तो वो आपका लिखेंगे ना, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा किसके लिए ईएमएफ लिखते टाइम जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो हो रहा है उसको पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। हाँ, ई आई जो है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जो भी मानेंगे ये हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, ध्यान रखना है, बाद में उल्टा हुआ तो उसको क्या लिखेगा नेगेटिव ना। इस तरीके से बहुत सारा सीरीज में दिया रहेगा तो हम ऐसे एक बैटरी और एक के इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ आपका भी सम आता है, इसमें ध्यान ये रखना है कि विद टर्मिनल या डायरेक्शन ऑफ करंट वाला प्लस आएगा और ये तो रेजिस्टेंस में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। देखिए अगर मैं एग्जाम्पल के लिए एक सिंपल सा लिखता हूं, चलिए अर्थ आपने को दिया हुआ है, फाइंड द करंट इन द सर्किट, देखिए हमसे पूछेगा नहीं डायरेक्टली या कभी, ऐसा जरूरी नहीं कि वो बोले तभी, मैं क्या बोल रहा हूं ना कि ये ध्यान दीजिए ये सारे बैटरी जो है ना आपके, हाँ आपके सीरीज में है बिल्कुल, और विथ क्यों, क्योंकि सभी से करंट जो जाएगा वो किसी भी कोई एक डायरेक्शन मान लीजिए सभी से करंट से जा रहा है, हाँ ध्यान ये रखना है कि जिसका
नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है वो तो प्लस में आएगा, और जो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है वो वहां माइनस में आ जाएगा। तो मैं पूछा नहीं है फिर भी मैं लिख रहा हूं, क्या इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट लिख रहा हूं। तो देखो इक्विवेलेंट सर्किट में ये लिखना चाह रहा हूं कि एक हमारे पास बैटरी है और एक हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए नॉट नेसेसरली आपको यही करना पड़ेगा, आप इसी में प्लस माइनस लिख दोगे तो वो आ जाएगा, लूप घूम जाइए आंसर आ जाएगा। बट फिर भी एक बार देखते हैं इस चीज को, क्या अब ईएमएफ को हाँ और आर तो E की वैल्यू की अगर बात करोगे तो वो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस हाँ विथ आप ध्यान रखें हम साइन लिखेंगे क्या, या टर्मिनल वाला जो बात होता है कि वो टर्मिनल हमें ध्यान होने चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट को प्लस लिखेंगे ना। चलिए यहीं से करते हैं, ये 5 है तो ये माइनस 15 है, ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, मैं यहीं से E1 मान रहा हूं, यस ये हमारा E2 है, ये E3 है और ये E4 है। तो E1 प्लस में है, माइनस 15 प्लस 5 प्लस 10 5 वोल्ट, यस है ना, और इस डायरेक्शन को हमने प्लस माना है, मतलब बिल्कुल इस डायरेक्शन में ही आया है और ये करंट होना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग आया भी है। अगर हम लोग इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें, R की बात करेंगे, R इक्विवेलेंट, R जो है वो तो जुड़ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन 3 4, ये इंटरनल वाला, ये नहीं इसका 1 एंड 2 टेनो हाँ, एंड R भी सब सीरीज में है, ये 2 2 एंड 1 15 ओम, कोई दिक्कत नहीं है। आई की वैल्यू आर प्लस आर हां 5/15 प्लस 10 यस हां बिल्कुल ना है ना। देखिए मैं बोल रहा हूं ना, हमारा अगर करंट के हिसाब से बोलोगे तो फाइनल रूल जो बोलोगे अल्टीमेटली अप्लाई जो होता है वो केवीएल क्रिचॉप्स वोल्टेज लॉ एंड केसीएल क्रिचॉप्स करंट लॉ, और तमाम जो सर्किट हैं उसी के बेसिस पे सॉल्व भी होगा है ना, चाहे वो बैटरी ग्रुपिंग हो, ठीक है कुछ फॉर्मूले हम लोग बना लेते हैं सो देट कि हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो है ना, अदरवाइज सारे सर्किट केवीएल और केसीएल ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी या जो भी सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखिए हम बोल रहे हैं सॉल्व तो हमारा ऐसे ही होगा, ऐसे पैरेलल E1 R1 E2 R2 E3 R3 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ऑफ कोर्स, हाँ
ना। तो अगेन बात यहीं पर है, बात क्या कि हम इस कॉम्बिनेशन से अगर किसी एक्सटर्नल रजिस्टर को कनेक्ट करें और जिससे इतना जो करंट जाए, राइट ना, आप इस पूरे नेटवर्क को हटाइए, इसका इक्विवेलेंट एक बैटरी लगाइए, हाँ जी, ई और आर, समझ रहे हैं, पैरेलल है तो पी और पी भी लिख सकते हो, और इस इक्विवेलेंट से हाँ इस इक्विवेलेंट से भी मतलब ही यही है कि अगर हम लोग रजिस्टर को कनेक्ट करें तो करंट आपका सेम होना ही चाहिए ना। ऑफ कोर्स हम लोग केसीएल केवीएल ये सब अप्लाई करेंगे जैसा हमने लास्ट वाले में करा था, देखिए अगेन आप इससे I1 मान लो, इससे I2 मान लो, इससे I3 मान लो, और आप समझ रहे हैं कि इंटर I हो रहा है तो एग्जिट भी I होगा, I नहीं है, I की वैल्यू I1 I2 I3, समझ रहे हैं ना, ठीक है। फिर ये लूप देखिए हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि जो आपके पैरेलल का इक्विवेलेंट है ना, आप चाहे तो EP लिखिए चाहे तो जो हम लिख रहे हैं E, ये आपका इतना आएगा, ध्यान रखिएगा, E1 by R1, E2 by R2, हाँ डेरिवेशन हम लोग तो ऐसा नहीं है अभी लिख भी सकते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में प्रूफ के लिए या बोलो की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, एक दो बार KVL लिखना है आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल यही बात होती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, हाँ ये इक्विवेलेंट आएगा आपके पैरेलल के बैटरी का ईएमएफ का, एंड जो 1 बाई आर इक्विवेलेंट होता है पैरेलल में, बिल्कुल आप चाहे तो आर पी लिखिए चाहे तो जनरल वे में हम लोग आर लिखे हैं, और ये भी इतना ही आएगा, 1 बाई आर वन, 1 बाई आर टू, 1 बाई आर थ्री, पैरेलल कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा जो टिपिकल है वो ये है कि हमें ये पैरेलल जैसा जो क्या बोलोगे, हाँ ठीक है ना, है पैरेलल जैसा याद कर सकते हैं ना। अब अगर हम लोग इस दोनों का यूज करते हुए ना अगर कुछ लिखें तो देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी आएगा तभी हम लोग ये चीजों को कर पाएंगे, ये कोई नहीं है, हैं? बट बात यह है कि अगर रहता है तो आप जरूर थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो फास्ट कर सकते हैं, समझ रहे हैं, है ना, ना। ठीक है, नेक्स्ट इसी एनालिसिस को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्या इफ एन आइडेंटिकल सेल ऑफ ईएमएफ ई नॉट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर नॉट, आर कनेक्टेड इन सीरीज, चलिए कनेक्टेड इन पहला लिख लेते हैं सीरीज एंड दूसरा हम लोग लिख लेते हैं पैरेलल, हाँ देन डिस्कस द पावर आउटपुट एंड corresponding equivalent
ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस, ऑफ कोर्स हम लोग ये चीज लिखेंगे, है ना। देखिए बेसिकली बोल रहा है कि एन आइडेंटिकल सेल को आर नॉट डी नॉट दे दिया है, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या उसका रिजल्ट आता है, पावर कैसा आएगा पैरेलल में, है ना। तो इसको करने से हमें थोड़ा सा जो फायदा होगा वो ये कि किसके लिए या क्या रिक्वायरमेंट है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन अपने को यूज करना चाहिए। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं ना, देख अगर हम लोग पहला लिखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये हाँ ई नॉट आर नॉट ई नॉट आर नॉट सभी तो यही है, और अगर हम इससे एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करते हैं आर, तो दिस इंप्लाइज कि ई इक्विवेलेंट ई एस अगर हम लिखेंगे तो वो तो ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, हाँ तो अगर एन है तो एन ई नॉट हो गया ईएमएफ सीरीज में, यस। एंड अगर हम लोग ऑफ कोर्स इसकी भी बात करेंगे तो सीरीज में यही हो जाता है, आईडी हो जाता है, तो एन है तो एन आर नॉट भी हो गया, हाँ ना। अगर इस चीज को हम लोग कनेक्ट करके देखेंगे तो सर्किट तो अब हमारा जो बन रहा है वो एक सॉरी टर्मिनल इधर है तो इधर ही रखते हैं, है ना। आर और इसको मैं लिखता हूं ईएस एंड आरएस सीरीज का है तो राइट ना, तो करंट हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल करंट क्या आएगा पावर क्या आएगा देखते हैं। नो डाउट क्या हुआ है कि हमारा ईएमएफ एन टाइम्स हो गया, लेकिन ध्यान से हमारा जो रेजिस्टेंस है इंटरनल वो भी आपका बढ़ चुका है, ठीक है, मतलब आपका लॉस भी ज्यादा होगा, समझे। क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं करंट की वैल्यू लिखूंगा तो करंट आएगा E by R plus R, that is आ गया N E not by R plus N R not, हाँ ठीक है ना। एंड पावर आउटपुट की बात करोगे तो वो बेटर रहेगा I square R ही लिखिए, क्यों, क्योंकि हाँ I जो है वो सेम है, आएगा ना। ये हम लोग V square by R भी लिखते हैं, लेकिन ये V जो होना चाहिए वो रेजिस्टेंस के क्रॉस होना चाहिए, तो इस बार ये नहीं, हमें ये यूज करना चाहिए ना। देखो फॉर पावर मैक्सिमम, यस क्या होना चाहिए था, R एक्सटर्नल की वैल्यू R इंटरनल के बराबर होना चाहिए, मतलब R होना चाहिए N R नॉट के बराबर, एक तो ये बात है, हाँ ना। इसमें लॉस भी आपका बहुत सारा होगा, लॉस की अगर बात करोगे तो डेल्टा एच हम लोग लिखते हैं या पावर पी लॉस, हाँ तो ये जो लॉस आएगा वो आपका आएगा आई स्क्वायर आर, कौन सा ये, मतलब आई स्क्वायर एन आर नॉट, तो पावर लॉस भी आपका बढ़ जाएगा, हाँ ना। देखिए अब बात ये आता है ना कि आपके पास दो दो वोल्ट के बैटरी हैं, हाँ और आपको 6 वोल्ट चाहिए, तो ऑफकोर्स जोड़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना, चाहे वो ये भी पड़ रहा है, समझ रहे हैं। तो हमारी मजबूरी वाली बात हो गई है कि अगर हमें ईएमएफ को बढ़ाना है तो हमको सीरीज में जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये कोई अच्छा कॉम्बिनेशन या बोल लीजिए कि नहीं होता कि इसके जुर्माना भी है, मतलब लॉस भी होगा, हाँ ना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन,
सॉरी ईसी का एन है और हम लोग इसको पैरेलली लिखते हैं। हाँ, तो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है कि अगर हम लोग पैरेलल लिखें तो पैरेलल में हमारे पास जो आएगा वो आ रहा है, हाँ, ई इक्विवेलेंट आएगा आपका ई, अगर पी लिखते हैं तो वो ई नॉट बाई आर नॉट, अच्छा एक बार फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, प्लस ई टू बाई आर टू यस बाई 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री, इस तरीके से राइट ना। तो ईपी की वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो वो आ रहा है ई नॉट बाई आर नॉट प्लस ई नॉट बाई आर नॉट प्लस ई नॉट बाई आर नॉट 1 बाई आर नॉट यस। आई होप ई नॉट 1 बाई आर नॉट, हाँ जी बात ऐसा है ना कि इस तरीके से कनेक्ट करते हुए तो अपने को ईएमएफ में तो कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब 5 को 10 को बैटरी कनेक्ट करने से भी ईएमएफ सेम ही रह गया ना। अगर हम लोग इक्विवेलेंट की बात करें 1 बाई आर वन आर टू, हाँ दिस वैल्यू इज अगेन आर नॉट आर नॉट, तो जो अपने को आरपी आ रहा है वो आरपी या 1 बाई आर लिखें तो वो एन अपॉन आर नॉट। देखो एक चीज अच्छा जरूर हो रहा है, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हमारा घट जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ईएमएफ तो नहीं बढ़ रहा है लेकिन ये जो है वो घट जा रहा है ना। अगर आप बात करोगे तो यहां पर ये जो डिस्कशन है ना, ठीक है, तो ये डिस्कशन आपका आई जो आएगा वो तो कॉम्बिनेशन से ऐड करेंगे तो वो इतना ही आएगा, आप यहां पर आरपी लिख लीजिए तो वो वैल्यू जो आएगी वो ये नहीं, ये भी पी, ये इतना हो चुका है, समझ रहे हैं। ईएमएफ तो नहीं बढ़ा बट इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा एन टाइम्स छोटा हो चुका है, तो क्या होगा देखिए, नो डाउट ये आपका कंडीशन सेम आएगा, मतलब हमें दिखना तो यही चीज चाहिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से आएगा। चलिए इस डिस्कशन को दोबारा लिखते हैं क्योंकि चेंजेस है। हाँ ना, तो अगर E की वैल्यू लिखेंगे तो नो डाउट सिंस हमारा I जो है वो तो आपका घट ही गया है, ठीक है ना, क्योंकि एक EMF के बराबर ही वो काम कर रहा है, तो 10 को जोड़ने से आपको कोई फायदा ही नहीं हुआ। दूसरी बात अगर ये लिखेंगे तो जो हमारा पावर आउटपुट है ऑटोमेटिकली ये जो रिलेशन है ना, अगर हम R की वैल्यू क्या बोलते हैं पावर की वैल्यू मैक्सिमम के लिए बोले, हाँ तो मैक्सिमम के लिए अगर बात करेंगे तो फिर से हमारा आएगा कि R की वैल्यू R नॉट बाई N होना चाहिए, बिल्कुल, यानी कि N R नॉट इतना, ऐसा ये रिलेशन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं, है ना, क्या कि अगर आपको पावर पैरेलल से मैक्सिमम में आउटपुट चाहिए तो वो ऐसा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप जोड़िएगा, हाँ मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ना। बात ऐसा है, इससे फायदेमंद बात ये है ना कि हमारा लॉस जरूर कम होता है। पी लॉस की बात करोगे तो नो डाउट आई स्क्वायर जो है वो आपका आ रहेगा, लेकिन आर कौन सा, ये पी वाला, ठीक है, और ये है आई स्क्वायर इंटू
आर नॉट बाई एन, मतलब पावर लॉस पहले के मुकाबले एन टाइम्स कम हो चुका है। हाँ जी, पावर लॉस जो है वो आपका डिक्रीज होता है। कैसे? अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाते हैं, हाँ है ना। तो देखिए, अगर बात ऐसा है, अगर हमको ईएमएफ नहीं बढ़ाना है, मतलब ये है कि दो दो वोल्ट का सेल है और हमको ये है कि क्या बोलोगे, इस तरीके से कनेक्ट करें कि हमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है बट हाँ पावर लॉस ज्यादा ना हो, तो क्या करना चाहिए, सारे बैटरीज को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो नो डाउट यूज सब होगा लेकिन लॉस जो होगा वो बहुत कम होगा। ये बिल्कुल मैथमेटिकली ये बता रहा है ना। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है कम और हम नहीं होता कि वोल्टेज बढ़ा के देते हैं उस डिवाइस को, तो उस बढ़ा के देने की वजह से जोड़ना तो आपको सीरीज में पड़ेगा और पता है उस देने से आपको वोल्टेज तो आउटपुट मैक्सिमम तो मिलेगा काहे कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है लेकिन वो आपका लॉस भी बढ़ा देता है। तो अननेसेसरली अगर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा ना हो तो वोल्टेज हम ना बढ़ाया करें, ठीक है ना। एनीवे ना हम लोग नेक्स्ट आते हैं।